क्या आप भी अपने मोबाइल से पेन ड्राइव में फोटोज़, वीडियो, कोई भी फाइल, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी क्या आप अपने मोबाइल से पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं? तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मैं बिमलेश आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बिमलेश में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं किस तरीके से आप पेन ड्राइव में अपने फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी कैसे डाल सकते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना होगा। पेन ड्राइव को कनेक्ट कैसे करोगे? आपको मोबाइल की सेटिंग में आना है। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में आना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करके आपको ओटीजी कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके मोबाइल में यदि कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से ईजिली तरीके से डायरेक्टली। तो दोस्तों ओटीजी पे इस तरीके से आपके यहाँ शो हो जाएगी इस तरीके से। एक तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, या दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके फ़ोन में मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीजी का ऑप्शन आपको यहीं शो हो जाएगा ऊपर ही। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ ये ओटीजी आपके सामने यहाँ नज़र आ रही होगी, जैसा कि ये रहा ओटीजी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे ओटीजी में इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे क्या क्या यहाँ पे शेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको फ़ोटो सबसे पहले शेयर कर दें इस तरीके से। जैसे हमने फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ़ोटो इस तरीके से देख लेने हैं आपको जो फ़ोटो भेजने हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्लिक करते हैं, जैसे कि हमें ये फ़ोटो भेजने हैं तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करेंगे और यहाँ पे सीधा इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस में आपको भेजना है, उस तरीके से उसी में आपको कॉपी कर देने हैं या मूव करने हैं, मूव भी कर सकते हो आप अपने, इस तरीके से सेव भी कर सकते हैं इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप आपकी फाइल जो है, ठीक है, यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैसे शेयर करने, जैसे कि ये है पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इस तरीके से क्लिक करेंगे उस फाइल पे और यहाँ पे हमें एक फोल्डर बना हुआ है उसमें फिर से इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, यानी कॉपी कर देंगे। तो ये कॉपी हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में इस तरीके से। और यहाँ पे आप वीडियो और ऑडियो इस तरीके से, ये ऑडियो है तो ऑडियो भी इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे ये भी कर दिया तो इस तरीके से हमने कर दिया है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं ये कहाँ पे है। तो ओटीजी पे इस तरीके से क्लिक करते हैं, फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये आ चुके हैं, जैसे फोटो और ऑडियो और यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है। आप यहाँ से इजीली तरीके से ये कर पाओगे एकदम परफेक्टली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आप अपने फोटोज़, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है आप अपने ओटीजी में या पिन ड्राइव में इस तरीके से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आई, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।